नमो नम संस्कृतकक्षायां पुनरेकदा स्वागत अहमस्म अशोककुम अद द्वितीय सेमुषी द्वितय भागक अष्टम पाठ पठिषा अस पाठ से शीर्षक विचि साक्षी प्रिय छात्रो संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम सेमुशी द्वितीय भाग इस पुस्तक के आठवें पाठ को पढ़ेंगे पाठ का शीर्षक है विचित्र अयम पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथाया संपादि अंश अस्थ कथा बंग साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रूपेण प्रदत्त निर्णयों आधारिता अस्ति। न्याय का रह यदा कदा तादरिष्य नाम युक्ति नाम प्रयोगम करुवन्ति या भी प्रमाणम् विनापि न्यायहस्यात् अस्याम् कथायामपि न्यायधीसेन तथाइव मार्गह आचरिता। छात्रो यह पाठ विख्यात लेखक ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है न्यायाधीश के निर्णय हेतु कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके कारण प्रमाण के बिना भी न्याय संभव हो पाए इस कथा में भी न्यायाधीश ऐसा ही मार्ग अपनाकर न्याय करता है त आगछंतु पठा तवत एताम मनोरंजिकं कथाम अधुना वाचन कूद कशन निर्धनो जन भूरी पिश्रम्य किंचि विपर्जित स्वुत्र महाविद्यालये प्रवेश दापय सफलो जाता है तनय समभूत एकदा संलग्न पिता एक सीता तनुजस्याुग्णता व्याकुलो जाता च द्रष्टुमच प्रस्थि परमा अर्थकाशन पीड़िता स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत् छात्रा अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः कश्चित धनहीनः जनः बहु अधिकं परिश्रमं कृत्वा अल्पमात्रयाम् धनं अर्जितवान् तेन धनेन सः निर्धनः जनः स्वस्य पुत्रस्य एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं कारितवान् तस्य पुत्रः महाविद्यालयस्य छात्रवासे स्थित्वा अध्ययनम् आरब्धवान् एकदा सः पिता पुत्रस्य रुग्णतायाः विषये श्रुत्वा व्याकुलः अभवत् सः पुत्रं द्रष्टुं मेलितुं च प्रस्थितः परं तस्य समीपे धनस्य अभावः आसीत् अतः सः बस् यानेन गन्तुम् असमर्थः पादाभ्याम् एव अचलत् अधुना अस्य हिंदी अर्थम पश्यामः छात्रों एक निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया उस धन की सहायता से वह अपने पुत्र को एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया उसका पुत्र उसी महाविद्यालय के छात्रावास में रह करके पढ़ाई करने लगा एक बार उसका पिता अपने पुत्र के बीमार होने की बात सुन के बेचैन हो उठा और चिंताग्रस्त हो होकर के वह पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा लेकिन धन के अभाव से पीड़ित होने के कारण वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल दिया पदातिक्रमेण संचलन सायम समय अप्यसौ गंतव्या दूरे आसीत निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभ विचार्य ग्रामे रात्रि निवास कंचित गृहस्थ उपागत करुणापरो गृह तस्म आश्रय प्रायछत छात्र अधुना सरल भाषा एक अर्थ पशा सर्धन जन पदाति ही एव गच्छन आसीत् सायंकाल जाता है परंतु पुत्र से तो इतोपि बहुत दूर आसीत् अंधकारे निर्जन क्षेत्रे यात्रा न उचिता एवं चिंतन करत्वा सह रात्रि निवासाय समीपस्थम ग्रामम प्राप्य एकस्य गृहस्थस्य गृहम गच्छति दयालु गृहस्वामी रात्रि तस्य कृते स्थानं ददाती अधुना हिंद्यर्थम पश्यामः पैदल चलता हुआ बच्चों वह निर्धन व्यक्ति शाम को भी अपनी मंजिल से बहुत दूर था अर्थात बेटे के पास छात्रावास में जाना था सायंकाल हो गया चलते चलते परंतु छात्रावास तो बहुत दूर था रात के अंधेरे में सुनसान क्षेत्र में पैदल चलना ठीक नहीं है ऐसा विचार करके वह पास के ही एक गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास पहुंचा उस दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने भी उसे रात्रि विश्राम हेतु स्थान प्रदान कर दिया विचित्रा दैव गति ही तस्मेव रात्र गृह कशन चोर गृहभ्यंतर प्रवि त्र निता में मंजूषाद चोर से पाद्वनिना प्रबुद्धतिथि चोरशंकया तम अन्वधावत अगृहाणच परम विचिम अघटत चोर एवं क्रोशि आरभत चोरोयम् चोरोयम् इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकं अतिथिम एव च चोरं मत्वा अभर्तसेन यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत् तक्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिम चोरो यम इति प्रख्याप्य कार गृहे प्राक्षिपत छात्रः अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः भाग्यस्य गति बहु विचित्र भवति यस्मिन् गृहे सः अतिथिः निर्धनः जनः रात्रि निवासं करोतिस्मा छात्रः तस्मिन्नेव गृहे एकः चोरः रात्रिं चोरयार्थं प्रविष्टः सह चोरः ग्रहेष्ठिताम् एकाम पेटिकाम् स्वीकृत्य ततः वेगेन न निरगतः सह अतिथि चोरस्य पादत्वनिना जाग्रेतः चोरह इति मत्वा सह तस्य प्रिष्ठतः एदावत् परंतु अकस्मात् एकां विचित्रा घटना संजाता सह चोरह अतिथिं दृष्टवा उच्च स्वरे इति चोर अकरोत् तस्य अकोत्च्चर शुवा ग्रामवासीन निद्राया प्रबुद्धा ते स्वगृह्यगत वराकम अतिथि चोरित मैं निंदन करतव यद्य चोर तो ग्राम से आरक्षी अतः सह आरक्षी तस्म कालेथिम अयम चोर प्रचार कारावासे स्थापित अर्थ छात्रों भाग्य की गति बड़ी विचित्र होती है उसी रात उस घर में जिसमें अतिथि रात्रि निवास करने के लिए रुका था उसी घर में एक चोर घुस आया और वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर के भागने लगा बच्चों चोर के पैरों की आहट से जागकर वह अतिथि चोर होने की आशंका से उसके पीछे दौड़ पड़ा और उस चोर को पकड़ लिया परंतु तभी एक विचित्र घटना घटी वह चोर ही उल्टा जोर जोर से चिल्लाने लगा यह चोर है यह चोर है उसकी ऊंची आवाज से जाग करके सारे गांववासी अपने अपने घर से निकल करके वहां आ पहुंचे और उस अतिथि को ही चोर समझ करके उसे लगे। चोर तो वह ही था। उस कोतवाल ने उस अतिथि को चोर के रूप में प्रचारित करके उसे जेल में डाल दिया अग्रे पठाम अग्रिमे दिने सह आरक्षी चोरिया तम न्यायालयं नीतवान् न्यायाधीशो बङ्किमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान् सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं नाशक्नोत् असौ तौ अग्रीमे दिने उपस्थातुं आदिष्टवान अन्यद्युह तौ न्यायालये स्वस्व पुनः स्थापितवन्तौ तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्ये न्यवेदेत यत इतः क्रोस द्वयांतराले कश्चित जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान् अधुना अस्य सरलम् अर्थं पश्यामः अग्रिमे दिने प्रातः सः आरक्षी तम् अतिथिं चौर्यस्य अभियोगे न्यायालयम् अनयत् तत्र न्यायाधीशः बङ्किमचन्द्रः आसीत् सह उभाभ्याम अर्थात अतिथेहे आरक्षिणः च प्रथक प्रथक विवरणं श्रुतवान् सर्वं वृत्तांतं श्रुत्वा सह अवगतवान् यत अतिथि तु निर्दोषः अस्ति निर्दुष्टः अस्ति अस्य दोषः नास्ति अपितु आरक्षि एव चोरः अस्ति परम तस्य समीपे किमपि प्रमाणं नासी अतः सह तस्मिन् समये निर्णय कर्तुं न शक्तवान् न्यायधीशः योजनानुसारं तौ अग्रिमे दिने आगन्तुं आदिष्टवान् अग्रिमे दिवसे तौ स्व स्व पक्षौ पुनः स्थापितवन्तौ तदानीम् एव एकः कर्मचारी आगत्य न्यायाधीशं सूचयति यत् इतः किञ्चित् दूरं कश्चित् मृतः अस्ति मृत शरीर राजमार्ग से समीपे अस्ति। तदा न्यायाधीश अतिथि आरक्षण चवम न्यायालय आने तुम आदिशति हिंद्य अगले दिन वह कोतवाल चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय में लेकर गया न्यायाधीश चंद्र ने दोनों से अलग अलग घटना का विवरण सुना सारा वृत्तांत जान करके न्यायाधीश ने अतिथि को निर्दोष और कोतवाल को दोषी माना किंतु साक्ष्य के अभाव में वह कोई निर्णय नहीं दे सका फिर उन्होंने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए कहा अगले दिन उन दोनों ने फिर से अपना अपना पक्ष रखा तभी वहां एक कर्मचारी आकर के न्यायाधीश से निवेदन करता है महोदय यहां से दो कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है और उसका शव राजमार्ग के पास में ही पड़ा है अब आप आदेश दीजिए कि क्या किया जाए फिर न्यायाधीश ने कोतवाल और उस आरोपी को शव लाने का आदेश दिया आदेश प्राप्य उभ प्राचलता तत्रोपेत्य निहितम पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति आरक्षी सुपुष्ट देहः आसीत् अभियुक्तस्य अतीव भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत् सः भारवेदनया क्रन्दति स्म तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदितः आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम् चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः आहसत् यथा कथञ्चिद् उभौ शवम् आनीय एक चर स्थापित अधुना अस्य सरलार्थ पशा न्यायाधीश से आदेश प्राप्य उभौ तत शव आने पश्यतः त्र एकस्मिन् ये पटले वस्त्रेण आच्छादी मृतशरीर स्थापित अस्त उभ तम मृतशरी स्कंधे संस्थाप्य न्यायालय प्रति यतः आरक्षी शरीरेण हृष्टपुष्ट आसी अतिथि चषकाय दुर्बल चत भारयुक्त शव से कृते बहु कठिन कष्ट च आसी सह अतिथि भारवेदनया रोद स्म तस्य रोदनं श्रुत्वा प्रसन्नः आरक्षी अभियुक्तं उवाच रे दुष्टा तस्मिन् दिने त्वं माम् चोरितायाः पेटिकायाः गृहणाद् वारितवान् अधुना निजकृत्यस्य फलस्य आस्वादनं कुरु अस्मिन् चोर्यस्य अभियोगे तुभ्यम् वर्षाण कारावासस्य दंडन दास्यते कथय सह आरक्षी अहसत येन केन प्रकारेण तौ मृत शरीर आनीय एकस्मिन् चत्वरे अर्थात प्रांगणे हिंदी अर्थ आदेश पाकर दोनों अतिथि और वह आरक्षी चल पड़े वहाँ पहुंचकर एक तकथ पर रखे कपड़े से ढके उस शरीर को कंधे से ढोते हुए वे दोनों न्यायालय की ओर चल पड़े अर्थात बच्चों उन्होंने जो मृत शरीर था डेड बॉडी था उसको कंधों पे रख लिया एक ने आगे से एक ने पीछे से और वो न्यायालय में जो बंकिम चंद्र जी न्यायाधीश थे उनके पास लेकर के वो चल पड़े क्योंकि वह कोतवाल हृष्टपुष्ट था हेल्दी था कट्टा था और आरोपी बेचारा अतिथि जो निर्धन व्यक्ति था वह दुबला पतला इसलिए उस निर्बल अतिथि के लिए भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत ही कठिन था वह उसके भार की पीड़ा से क्रंदन कर रहा था रो रहा था उसका क्रंदन सुन करके कोतवाल खुश होते हुए बोला अरे दुष्ट उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ले जाने से मुझे रोका था ना अब अपने किए का फल भोग इस चोरी के आरोप में तो कम से कम तीन साल की जेल तो जाएगा ऐसा कह करके वह जोर से हंसने लगा। किसी प्रकार उन दोनों ने शव को ला करके एक चबूतरे पर रख दिया न्यायाधीश पुनस्त घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टऊ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य अघटत सह श्वह प्रावारकम् अप्सारियः न्यायेधीसम अभिवाद्य निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणः एद्ध्वनि यदुक्तम् तद्वरणयामि त्वया हम चोरितायः मंजुषायः ग्रहणाद् वारितः अतः निज कृत्यस्य फलम् भुक्ष्वः अस्मिन् चोरिया भीयोगे तुम वर्ष त्रेस्य काराव लप्स्यसे इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं च ससम्मानं मुक्तवान् अधुना अस्य सरलार्थं पश्यामः यदा तौ शवम् आनीतवन्तौ तदा न्यायाधीशः पुनः एकदा स्वस्य पक्षं वक्तुम् आदिष्टवान् यदा आरक्षी स्वस्य पक्षम् उपस्थापितवान् तदा एव एका आश्चर्यपूर्ण घटना घटिता सह शवः आत्सादितं वस्त्रं अपाकृत्य दूरीकृत्य न्यायधीशं अभिवाद्य निवेदनं अकरोत् मान्यवर एषः आरक्षी मार्गे यत् अय कथयत तद् अहम् भवन्तं सूचेतुं इच्छामि एषः आरक्षी एतम् निर्धनं जनं आवदत् यतः तद्दिने त्वं माम चोरितायाह पेटिकायाह नयनात् अवार्यत अतः अधुना तस्य दुष्कर्मणः फलस्य आस्वादनं कुरु अस्मिन् चोर्य अभियोगे त्वं वर्ष त्रयस्य कारावास दण्डं प्राप्स्यसि तत् श्रुत्वा सत्यं सर्वेषां पूरतः आसीत् अतः न्यायधीशः आरक्षिणे कारावास दंडम तम निर्धनम जनम एव अनुमति बच्चों न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया कोतवाल के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर एक अद्भुत घटना घटी उस मृत व्यक्ति ने जो कपड़ा उसको ओढ़ाया हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके उससे निवेदन किया मान्यवर इस कोतवाल ने मार्ग में जो कुछ कहा वह मैं आपको बताता हूं इसने कहा कि तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को उस दिन ले जाने से मुझे रोका था इसलिए अब अपने करने का फल भोग इस चोरी के आरोप में तू तीन वर्ष की जेल की सजा पाएगा यह बात सुनकर के न्यायाधीश ने उस कोतवाल को जेल की सजा दी और उस अतिथि को निर्धन व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया इसलिए कहा जाता है दुष्कृ्य कर्माशालीन नीतिम युक्तिम सामलंब्य प्रकुर्वते पदच्छेदः अतः एव उच्यते दुष्करणी अभी कर्मा मति मतवैवशान नीति युक्ति सलंब्य लीलियाते अन्वय अतएव उच्यते मवैभवशा नीति युक्ति सवलब्य दुष्क्रणी अर्मा लीलयाव प्रकुर् भावा एव, एव उच्य मति वैभव मती वैभवसंपन्ना जीति युक्ति च आश्रि कठिना छात्रों बुद्धि से संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति और तर्क से उपाय सोच करके बिना परिश्रम के ही उसको कर डालते हैं छात्र अधुना एक पाठ समाप्ति ग अनया कथया भवन्तः किमज्ञातवन्तः अनया कथया ज्ञायते यत सत्यं यथा कथं चित जनानां पुरतः आगच्छति अतः सत्यस्य आश्रयः कदापि नेतक्तव्यः अपि च यदि वयम् शांतमनसा मनसा चिंतनं कुर्मः तर्हि यस्याः कस्याः अपि समस्यायाः परिहारः न्यायधीश्वत सरलताया कर्तुं शक्नुमः अतः अहम् कर्तुम न शकनोमि एषः भावः कदापि भवतां मनस्सु न अगच्छेत छात्रों अभीह हाँ पाठ समाप्त हुआ इस कथा से हमें पता चलता है कि सच्चाई कभी न कभी किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आ ही जाती है इसलिए कभी भी जीवन में सत्य का आश्रय मत छोड़ना बल्कि यदि हम शांत मन से सोच विचार करके निर्णय ले तो समस्या कैसी भी हो उसका समाधान जैसे न्यायाधीश ने सरलता से उस बिना प्रमाण वाले केस का समाधान दे दिया उसी तरह से हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए युक्ति का प्रयोग करते हुए और समाधान पा सकते हैं अग्रिम पाठम एव रुचिकरम पाठम स्वीकृत वयम पुनः मेलिष्या भवे तावत् शुभम मंगलम धन्यवाद हा।